लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग भाऊ के कहने पे एंटिटी 606 के भाई एंटिटी 303 को लेके जा रहे थे एक बहुत ही खतरनाक डील करने के लिए, और वो भी एंटिटी 606 के साथ, क्योंकि हीरो ब्राइन की पावर्स को वापस लाने के लिए हम लोगों के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। और जैसे ही गाइस हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो इतने में वो ढोंगी जीरो ब्राइन हम लोगों के सामने आ जाता है, और देखते ही देखते एंटिटी 606 भी वहां पे पहुंच चुका था। और ये सब देखते ही भाऊ एकदम से बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि भाऊ अपने बाबूजी गॉड ऑफ एंटिटी का बदला लेना चाहता था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि एंटिटी 606 ने भाऊ को बोला कि पहले तुम मेरे भाई एंटिटी 303 को मेरे पास भेजो, उसके बाद ही मैं तुम्हें हीरो ब्राइन की पावर्स वापस लौटाऊंगा। और भाऊ ने उसकी ये बात मान ली और वो अपने भाई को लेके वहां से चला गया, और भाऊ को एक मैप दिया कि इस मैप की लोकेशन पे तुम्हें हीरो ब्राइन की पावर्स मिल जाएंगी। लेकिन वहां पर एक पोर्टल था और उसने पता नहीं हम लोगों को कहां पे टेलीपोर्ट कर दिया था। एक मिनट, ये क्या है बे? हीरो ब्राइन गाइस समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम पे आखिर हम लोग करें तो क्या करें। ऐसा लगता है कि हम लोग उस दरिंदे एंटिटी 606 के जाल में फंस। अरे बाप रे, ये क्या चीज है गाइस? ऐसा लगता है कि एंटिटी 606 ने हम लोगों को किसी और दुनिया में भेज दिया है, और वो भी धोखे से। भाऊ अब हम लोग क्या करेंगे? ओ माय गॉड गाइस, हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि कहीं हम लोग एंटिटी 606 के फादर के वर्ल्ड में तो नहीं आ चुके। बाप रे गाइस, अगर ऐसी बात है ना तो एंटिटी 606 का फादर, आप लोगों को पता है कि एंटिटी 606 से भी कई गुना ज्यादा शक्ति। हीरो ब्राइन रुको, सामने की साइड कुछ लोग हैं, प्लीज यहाँ पे आओ जल्दी। अगर उन लोगों ने हम लोगों को देख लिया ना तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस टाइम पे हम लोगों पर कितनी बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि इस टाइम पे तुम अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर सकते, और ऊपर से हम लोगों को ये भी नहीं पता कि आखिर ये कैसी दुनिया है और एंटिटी 606 ने आखिर हम लोगों को यहाँ पे क्यों भेजा। सामने की साइड गाइस एक ताज की तरह कुछ रखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कोई किंग यहाँ पे रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एंटिटी 303 और एंटिटी 606 के बाबूजी यहाँ पे रहते हो। हीरो ब्राइन, तुम्हें याद है ना कि हम लोगों ने कितनी बार उस भाऊ के बच्चे को समझाया था कि तुम भूलकर भी इस ढोंगी एंटिटी 606 पर भरोसा करके उसके भाई 303 को आजाद मत करना, लेकिन उसने हमारी एक भी नहीं सुनी। मेरे को तो ऐसा लगता है गाइस ये गॉड ऑफ एंटिटी का बेटा कहीं इन लोगों के साथ मिला हुआ ना हो। लेकिन गाइस उससे बड़ी जो दिक्कत वाली बात हम लोगों के लिए है वो ये है कि पीछे से गॉड ऑफ एंटिटी का वर्ल्ड भी बहुत ही बड़े खतरे में है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि उस वर्ल्ड के अंदर हम लोगों ने नल को भी कैद कर रखा था, और एंटिटी 303 ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, बिकॉज हम लोगों ने उसको भी उसी जगह पे बंद कर रखा था, और अब तक तो उसने अपने भाई एंटिटी 606 को ये सब बता दिया होगा, और इसीलिए वो लोग किसी भी टाइम नल को बचाने के लिए वहां पर हमला कर सकते हैं। और पीछे से भाऊ मतलब गॉड ऑफ एंटिटी का बेटा बिल्कुल अकेला है। बाप रे, काश किसी भी तरीके से इस टाइम पे हीरो ब्राइन की पावर्स वापस आ जाएं तो फिर आएगा मजा। एक मिनट, हीरो ब्राइन अब इसको क्या हो गया पता नहीं, ये आगे क्यों जा रहा है। हीरो ब्राइन बात तो सुनो, सामने की साइड कुछ लोग हैं, अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो दिक्कत मत करवाओ यार, रुको। पता नहीं अब इसको कैसे समझाना पड़ेगा। एक बात तो है, जब से ये हम लोगों के पास वापस आया है ना गाइस, ये सारे काम उल्टे ही कर रहा है। शायद इसके पास अपनी पावर्स नहीं है और इसको कुछ याद नहीं, इसीलिए ऐसा होगा। अभी ये वापस आ रहे है गाइस, लगता है ये चुपके चुपके उनकी बातें सुनने गया था। हीरो ब्राइन आराम से, कहीं वो लोग तुम्हें देख ना लें। भाई इतना बड़ा रिस्क उठाने की क्या जरूरत थी, देख ही सक। कहीं उन लोगों ने तुम्हें देख तो नहीं लिया? तो गाइस हीरो ब्राइन का कहना है कि जैसे ही मैं उन लोगों के पास उनकी बातें सुनने गया तो वहां पे मुझे पता चला कि असल में वहां पर चार लोग नहीं बल्कि दो लोग हैं। मतलब वहां पे जो हम लोगों को चार लोग दिखाई दे रहे थे असल में उनमें से दो स्टैच्यू हैं। बाप रे, इसका मतलब गाइस यहाँ पे पक्का कोई ना कोई राजा महाराजा तो रहता है। और गाइस हीरो ब्राइन ने मेरे को बताया कि उनकी
सामने की साइड एक बटन है और ये क्या, ये क्या है बे? गाइस हीरो ब्राइन ने मेरे को बताया जब मैं उनकी बातें सुन रहा था तो उनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था कि वो लोग हमारे अर्थ के नहीं हैं बल्कि इस टाइम पे हम लोग एक बहुत ही खतरनाक दुनिया में हैं। लेकिन गाइस अब इस बटन को अरे दादा ये क्या हुआ? हीरो ब्राइन वहां पर सामने की साइड एक रास्ता ओपन हो गया। बाप रे सामने की साइड एक बंदा है, कहीं इन लोगों को पता तो नहीं चला। हीरो ब्राइन जल्दी से आओ यहाँ पे। लगता है गाइस कुछ ना कुछ बड़ा हम लोगों को इस दुनिया से पता चलने वाला है या फिर हम लोगों को कुछ यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर हम लोगों को सामने की साइड हीरो ब्राइन जाना है तो हमें उस बंदे का खात्मा करना पड़ेगा और इसके लिए मैं काफी हूँ, तुम बस यहाँ पे रुको क्योंकि गाइस हीरो ब्राइन के ऊपर हम लोग कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। भाई साहब ओके इली इली अरे बाप रे लगता है गाइस ये नींद में था और मैंने इसको टपका दिया। भाई हीरो ब्राइन एक एक मिनट, और यहाँ पर इतने सारे बटन्स और ट्रैप डोर भी लगे हैं। भाई साहब लगता है यहाँ पे कोई खजाना वगैरह तो नहीं। लेकिन अब दिक्कत वाली बात ये है गाइस कि इस बात का मेरे को पूरा यकीन हो चुका है कि एंटिटी 606 के बाबूजी यहीं पे रहते होंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ पे नहीं रहते तो एंटिटी 606 ने हम लोगों को धोखे से यहाँ पे क्यों। भाई क्या ही एनिमेशन वाला दरवाजा है। हीरो ब्राइन हेलो, आराम से आना कहीं कोई देख ना ले हम लोगों को। बाप रे और ये तो कोई बेस लगती है गाइस। एक एक मिनट यहाँ पर एक लीवर भी है। लेकिन गाइस एक बात आप लोगों ने नोट करी, जब हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में भाऊ को समझाया था कि तुम हीरो ब्राइन की पावर्स पहले वापस लो और उसके बाद ही एंटिटी 303 को आजाद करना, तो उसने हमारी बात नहीं मानी। और उसके बाद जब एंटिटी 606 अपने भाई को लेके जा रहा था तो उसने हमें एक मैप दिया था और उसने कहा था कि इस मैप की लोकेशन पे जाओ और वहां पर तुम्हें हीरो ब्राइन की पावर्स मिल जाएंगी। तो जैसे ही हम लोग उस मैप के लोकेशन पे आए तो वहां पर एक मतलब टेलीपोर्ट करने वाला कुछ पोर्टल बना हुआ था और उसने हमें यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे भाऊ क्यों नहीं टेलीपोर्ट हो पाया। बाप रे वही बात है गाइस, ऐसा लगता है कि भाऊ उन लोगों के साथ मिला हुआ है। और अगर ऐसा हुआ ना तो हीरो ब्राइन की जैसे ही पावर्स वापस आएंगी तो सबसे पहले हीरो ब्राइन उस दरिंदे की गर्दन उड़ाएगा फिर। लेकिन हम लोगों को गॉड ऑफ एंटिटी की बातों को भी गाइस याद रखना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि अपने लास्ट डेज में वो हमेशा हमसे कहता था कि अगर किसी दिन इस लड़ाई में मेरे को कुछ हो जाता है तो तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। तो गाइस हम लोग अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को भूल नहीं सकते। मतलब पहले बाबा जी थे वो हमारी मदद करते थे, उसके बाद गॉड ऑफ एंटिटी आया, मतलब जो भी हमारा दोस्त। हीरो ब्राइन ये हम लोग कहाँ पे आ गए? मतलब यार जैसे ही मैंने उस बटन को प्रेस करा तो पता नहीं क्या हुआ और हम लोग किसी और जगह पे आ गए। सामने की साइड एक दरवाजा है, हीरो ब्राइन यहाँ पे हो पहले। ऐसा लगता है गाइस कोई ये चाहता है कि मतलब हम लोग और भी आगे जाएं। मतलब गाइस आप लोग एक बात नोट करो कि जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं तो हम लोग और भी ज्यादा मुश्किल में आते जा रहे हैं। बाप रे एक मिनट ये क्या है बे? अरे भाई यहाँ पर तो पूरा क्लासरूम लगता है गाइस, और यहाँ पे ऐसा लगता है कोई स्टडी हो रही है। भाई ये कोई साइंटिस्ट वगैरह तो नहीं? हीरो ब्राइन निकलो यहाँ से प्लीज। बाप रे लेकिन मुझे ये बात गाइस समझ नहीं आ रही कि एंटिटी 606 को हम लोगों को यहाँ पे भेज के फायदा क्या मिला होगा। ऐसा लगता है कि पीछे कोई वो बहुत ही बड़ी कार्रवाई ना कर दे। ओके सामने की साइड हम लोगों को एक दरवाजा दिखाई दिया और हीरो ब्राइन पहले अंदर। ओ माय गॉड ये क्या है बे? अरे दादा हीरो ब्राइन रुको। भाई साहब यहाँ पे कोई मशीन टाइप कुछ लगती है और ऐसा लगता है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव रूम है किसी का, क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग देखो गाइस, पता नहीं ये पूरी स्क्रीन है या फिर क्या चीज है। बाप रे और दूसरी तरफ को देखो, मैंने आपको बोला था ना कि हम लोग इस टाइम पे किसी और दुनिया में हैं और सच में ये दुनिया बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। लेकिन एक मिनट गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि ये मशीन हम लोगों को यहाँ से निकलने में कोई मदद तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला आइटम लगता है। एक टाइम पे इसके अंदर
तीन तीन खतरनाक चीजें हैं। मतलब यहाँ पे देखो, नेदर पोर्टल भी इसके अंदर है, एंड पोर्टल भी इसके अंदर, और साथ में एंड क्रिस्टल भी यहाँ पे लगे हैं। बाप रे, एक मिनट, ये क्या गाइस, यहाँ पे लिखा है फ्यूचर मशीन, इसका मतलब हीरो ब्राइन। यहाँ पे आओ जरा, इस मशीन को तो चेक करो। बाप रे गाइस, हीरो ब्राइन के पास अभी पावर्स तो नहीं है कि वो इस मशीन का पता चला पाए कि ये किस चीज के बारे में मशीन बनाई है उन लोगों ने, लेकिन इसको देख के ये पता तो आइडिया मतलब मेरे को लग चुका है कि ये कहीं हम लोगों को फ्यूचर तो नहीं दिखाएगी। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि गॉड ऑफ एंटिटी ने एक बार हम लोगों को हीरो ब्राइन का फ्यूचर दिखाया था, और बिल्कुल वो फ्यूचर सच साबित हुआ था। उन लोगों ने हीरो ब्राइन को बहुत मारा था। एक मिनट गाइस, ऐसा लगता है कि इस लीवर को दबाने में ये मशीन एक्टिवेट हो जाएगी। तो हीरो ब्राइन क्या बोलते हो, क्या हमें ये अरे ये क्या था गाइस, हीरो ब्राइन, क्या तुम्हें भी ये सब कुछ दिखाई दे रहा था जो मैंने अपनी आंखों से देखा है? ऐसा दिखाई दे रहा था कि भाव को भी उन लोगों ने खत्म कर दिया। ओह माय गॉड, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है हीरो ब्राइन? प्लीज यार कुछ तो करो, हम लोगों को कैसे भी करके जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, प्लीज हीरो ब्राइन। तो गाइस अब हम लोगों को समझ आया कि एंटिटी 606 ने मतलब उस दरिंदे ने हम लोगों को यहाँ पर क्यों भेजा। इसके पीछे उस दरिंदे की एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग थी, और वो ये थी कि हीरो ब्राइन और मुझे उसने अपनी इस दुनिया में बंद कर दिया, और उसके बाद वो दरिंदा जानता था कि भाव पीछे से अकेला होगा। जिस तरीके से उन्होंने गॉड ऑफ एंटिटी को धोखे से मारा था, उस तरीके से शायद वो भाव को भी मारना चाहते हैं, क्योंकि गाइस एंटिटी 606 अच्छे तरीके से जानता था कि भाव के होते हुए अगर हीरो ब्राइन की पावर्स एक बार कैसे भी करके वापस आ गई, तो उसके बाद ये दोनों जैसे ही मिल जाएंगे तो फिर हम लोगों के साथ क्या होगा कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। तो इसीलिए उस दरिंदे ने हम लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा करा। सबसे पहले उसने अपने भाई को आजाद करवाया, भाऊ को अपनी बातों में बहला फुसला के, लेकिन गाइस इस बारे में कैसे भी करके भाऊ की जान को बचाना पड़े। ओ नहीं, हीरो ब्राइन, एक मिनट गाइस, अब ये क्या है, ये मैं कहां पे आ गया? बाप रे, और साइड पे ये टाइमलाइन किस चीज की है? बाप रे बाप, ऐसा लगता है गाइस कहीं पे मैं ट्रैप हो चुका हूँ। भाई साहब, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दरिंदा एंटिटी 606 हम लोगों के साथ कभी इतनी भी खतरनाक वाला काम करेगा। एक तरफ तो उसने हम लोगों को यहाँ पे फंसा दिया, और दूसरी तरफ वो अपने भाई को लेके और जीरो ब्राइन एंड होगा लाला को लेके गॉड ऑफ एंटिटी के बेटे। एक मिनट, ऊपर की साइड गाइस एक चेस्ट है और इसमें एक टॉर्च है, लेकिन टॉर्च को अंदर रखने का क्या लॉजिक हो सकता है गाइस? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी प्रिजन के अंदर ट्रैप हो चुका हूं और मुझे जल्दी से इसको एस्केप करके यहां से भागना पड़ेगा? ओह, नीचे की साइड गाइस एक रास्ता लगता है मेरे को भाई, लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये है कि गाइस हीरो ब्राइन भी यहाँ पे नहीं आ पाया। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी खतरनाक वाली प्लानिंग है ना उस दरिंदे की। हीरो ब्राइन को उसने अलग कर दिया, मेरे को अलग कर दिया, और भाऊ को अलग कर दिया। अरे यहाँ पे लेडर लेने आया था मैं तो पूरा नीचे ही नहीं। ओह गाइस, यहाँ पे सामने देखो ऊपर की साइड, और यहाँ पे एक रास्ता भी है। ऊपर की साइड आइटम फ्रेम में कुछ आइटम लगे हैं। बाप रे, भाई साहब जल्दी से इनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो गाइस जो भी छोटी से छोटी चीज भी मेरे को मिलती है ना, मेरे को सारी पिक करनी पड़ेगी,
तभी मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल पाऊंगा। भाई ये तो अच्छा हुआ कि ऊपर आइस पिघल गई और उसका पानी बन गया तो मैं ऊपर ओके फाइनली गाइस मैं वहां से तो निकल आया, लेकिन एक मिनट लगता है यहाँ पर आगे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल को रख लेता हूँ। अरे बाप रे गाइस यहाँ पर तो रास्ता बिल्कुल बंद है। यहाँ पे एक डिस्पेंसर है जिसके अंदर कुछ लकड़ी है गाइस। ओके ओके जल्दी से इसको उठा लेता हूँ। भाई हीरो ब्राइन मेरे साथ आता तो क्या ही बढ़िया बात होती ना, अब पता नहीं वो बेचारे के साथ क्या होगा। एक तो उसके पास कुछ पावर्स भी नहीं है, लेकिन गाइस एक बात तो है कि हम लोगों ने कैसे भी करके हीरो ब्राइन को अच्छे तरीके से समझा दिया था कि वो हमारा दोस्त है। मतलब आप लोग तो जानते हैं कि अभी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको सारी बातें समझा दी थी और तभी वो फिलहाल के लिए हम लोगों की मदद भी कर रहा है ताकि उसकी पावर्स वापस आ पाए। लेकिन एक मिनट, अरे बाप रे बाप, सामने की साइड एक रास्ता है, लेकिन गाइस यहाँ पर एक ब्लॉक की जगह है। अब मैं यहाँ पे इसको पार करके कैसे जाऊंगा? लेकिन एक मिनट, मेरे माइंड में गाइस इस टाइम पे एक ट्रिक है। अगर वो काम कर जाती है तो ऐसा समझो कि मैं इस प्रिजन को एस्केप करने में सफल हो सकता हूँ। एक मिनट, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ी लकड़ी बना लेता हूँ, मतलब स्टिक, और उसके बाद मैं यहाँ पे फर्निस वाला गेट बना लेता हूँ। ओके गाइस अभी फाइनली मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ता हूँ और इस गेट को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और ओके। अरे बाप रे गाइस आप लोग देख ही सकते हो कैसी ट्रिक मैंने यूज करी और मैं यहाँ पे बिल्कुल सो गया, मतलब कि लेट गया। अभी मैं यहाँ से क्रॉस करके निकल सकता हूँ यहाँ से। ओह भाई यहाँ पर आगे तो और भी काम बहुत ही ज्यादा खराब है। ओके यहाँ पे एक रास्ता है लेकिन ये भी बंद है। भाई साहब अब मैं करूँ तो क्या करूँ? यहाँ पे आयरन भी है लेकिन मैं इसको तोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास आयरन पिकैक्स भी नहीं है। ओ माय गॉड, अब इसी रास्ते के अंदर ही जाके देखना पड़ेगा मेरे को, शायद इसके अंदर मेरे को कुछ मिल जाए या फिर मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ। अरे भाई ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पाइप लाइन के अंदर। एक मिनट, यहाँ पे चेस्ट मिली है मेरे को, लेकिन यहाँ पर ये ओपन नहीं होगी क्योंकि चारों तरफ से बेड रॉक है, तो मुझे इनको तोड़ना ही पड़ेगा और देखते हैं कि इनके अंदर मेरे को क्या क्या मिला गाइस। अरे फिर भी मेरे को यहाँ पे पिकैक्स नहीं मिला गाइस ताकि मैं आयरन को तोड़ पाता। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे निकलूँगा यहाँ से बाहर? ओके यहाँ पर मेरे को एक स्टोन बटन मिला। फाइनली गाइस एक बहुत ही खतरनाक वाला प्लान मेरे माइंड में दोबारा से आ चुका है, क्यों ना मैं यहाँ पे TNT बना लूँ। ओके अगर मैं इसको बना पाऊँ, मेरे पास ओके गन पाउडर भी मेरे को मिला था, तो फाइनली मैंने एक TNT बना दिया और इसको यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे बटन प्रेस करते हैं और फाइनली एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा। लेकिन किसी ने सुना तो नहीं? अरे बाप रे बाप। ओके गाइस मैं इसको स्मेल्ट करने के लिए यहाँ पे रख लेता हूँ, शायद से पिकैक्स बना के मेरे को कोई ऐसा रास्ता मिले जिसकी मदद से मैं यहाँ से बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल पाऊँगा। लेकिन यार मेरे को बहुत ही दुख हो रहा है गाइस, कैसे भी करके हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ से निकलना पड़ेगा मेरे को। गॉड ऑफ एंटिटी के बेटे को अगर मुझे बचाना है। उत्तरी ये क्या है बे? ओ माय गॉड ये तो कोई जेल लगती है जिसके अंदर मैं कैद हो चुका हूँ। अरे बाप रे बाप, विलेजर साहब प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। भाई मैं करूँ तो क्या करूँ गाइस, हो ना हो इसके पीछे Entity 606 का हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हीरो ब्राइन और मैं यहाँ से बाहर निकल के गॉड ऑफ एंटिटी के बेटे मतलब भाऊ को बचा पाए। विलेजर प्लीज मेरी बात सुनो, मेरे दोस्त की जान बहुत ही बड़े खतरे में है। कोई है यहाँ पे? हीरो ब्राइन प्लीज यार कोई तो बचाओ मुझे, मेरी सांस नहीं चल रही, मेरा दम घुट रहा है गाइस, मैं करूँ तो क्या करूँ? लगता है गाइस मैं और हीरो ब्राइन इसी प्रिजन के अंदर ही मर जाएंगे और गॉड ऑफ एंटिटी के बेटे को वो लोग मार देंगे।